का तो मेरे भाई, मैं बच्ची का बड़ा भाई हूँ। मेरे भाई बहने ही हमारे जो है ना 2.5 साल से जो है ना मेरे बहन को टॉर्चर दे रहे हैं। हर बार जो है ना जब बोले जब 15 दिन 20 दिन में कुछ तो भी बहाना निकाल के ससुरा वालदा के पास नहीं जाना, भाइयों के पास नहीं जाना, रहना है तो मेरे पास ही रहना बोल के कुछ तो भी छोटे मोटे बहाने में हाथ उठाते रहते हैं। हम हर बार उनको समझाए लेडीज़ को मारना बहुत गलत बात है, बच्ची पे कभी भी हाथ नहीं उठाना, हमारे को इस्लाम इजाज़त ही नहीं देता ये चीज़ कर दे रहे हो। हर बार जो है ना हम जाके उनको समझा रहे हैं, जो बीच में जो मुफ्तियाँ हम को रिश्ता लगाए थे उन लोगों को बिठा के भी समझा रहे हैं। तो जब भी बैठक में बात हो रही उन्होंने अच्छी बात है भाई अंदा से ये गलती नहीं करता हूँ बोलते, फिर जो है ना वही गलती दोबारा दोहराते हैं। 2.5 साल से यही कर रहे हैं भैया। शेख महबूब हुसैन है इन्होंने जो है ना फतेह दरवाज़ा मोहम्मद शुक्री कमान के पद रहे थे। इन्होंने कलर का काम करते, कलर का नए नए घरों पे जो है ना कलर का कलर मारने का काम करते। आखिरी जहालत इंसान है भाई, बहुत जहालत इंसान है। आखिरी जर्री भी जो है ना इंसानियत नहीं है, छोटे से बच्चे तक भी जो है ना बच्चा जो है ना छोटी सी बहस में नहीं भैया रिश्ता हुआ था ऐसी मुफ्तियों में जो है ना अच्छा है। इन्होंने नमाजी हैं थोड़े, नमाज वगैरह पढ़ते थे, मस्जिद में जाते थे, ऐसी इनकी शादी हुई नहीं बोलते, ऐसी रिश्ता लग गया था। हम भी जो है ना चलो मुफ्तियाँ हैं ना अभी भी हमारे पहचानत में मुफ्तियाँ थे तो उन लोगों के ज़रिए से रिश्ता लग गया समझिए, हम दे दिए चलो बहन है कहीं भी हो किसी की भी बहन हो भाई कहीं भी हम खुश रहना कहीं भी कोई भी बच्ची गई खुश रही तो बहुत अच्छी बोल के माँ बाप जो है ना करके देते। अब ऐसे जहालत इंसान रहेंगे तो कोई भी अपनी बच्ची बहन को कोई भी नहीं देता। तो अचानक जो है ना आज वही बोल रहा हूँ लड़ाई की वजह जो है ना अचानक ऐसी बैदम बजी में मार दिएगा दोनों, फिर दोनों में बहन को हमारे क्या तकरार हुई कि एकदम बैदम बजी में मार दिए नो तो पूरा कल्ले पे पीठ पे सूजन आ गई। हम वही पूछने गए तो जो है ना आप लोगों को आना नहीं बोला था ना मैं, कैसा आया आप लोगों का जो भी था हमारा मैटर था वो था बोल के धक्का मधुक्की करना कर दे रहे। तो हमारे बहन वालदा को हम भेजे थे, मैं बाहर ठहरे हुआ था नहीं आना बोले तो चलो कोई बात नहीं जाता हूँ मैं, ना हमारे भाई आना ना वालिद आना ना मेरा भाई आना। हम फिर भी हमारे वालदा को बहन को हम बड़ी बहन को भेजे तो उन्होंने भेजे तो उनको भी तक लेडीज़ को तक धक्का मार के बाहर निकाल दे रहे थे उन्होंने। तो अचानक मैं धक्का मारते कई को मार रहे बोल के हम दूर से देख रहा था तो अचानक चले गया तो मेरे को भी जो है ना धक्कम धुक्की करना चालू करे तो मैं भी धक्कम धुक्की करा एक दो मारा मारी उन्होंने मेरे को मैं उनको ऐसा मार दी। अचानक जो है ना मैं हाथ उठाने के गुस्से पे जो है ना ले गया के अंदर या प्लानिंग कर रहे थे मालूम मेरे को कुछ नहीं मालूम पुराने जो कलर का काम करते ना वो रहता ना मिलाने का वो पूरा डब्बा बकेट में ला के उंडल दिया हमारे बहन थिनर था पूरी बकेट उंडल दी हमारे बहन वालदा और एक मेरी बहन पे तीनों पे ये बच्चे पे। कैसे अभी उसकी बहन की हालत बहुत सीरियस कंडीशन है भैया, तीनों की भी मेरे भाई की भी बहुत सीरियस कंडीशन है, उन्होंने भी अचानक आ गए उनको भी डाल दिए उन्होंने पूरी फुल सीरियस कंडीशन है आप बहुत सीरियस कंडीशन है पूरा। की वजह क्या है इनको शुरू से ऐसी करते शुरू से 2 साल से ऐसी है इनका अचानक इनको जो है ना मतलब कुछ तो भी छोटी छोटी बात पे इनको कुछ भी नहीं बोलना कहते उल्टा जवाब नहीं देना। ससुराल में रहते बहन अलग रहते आपके नहीं उन्होंने अलग रहते समझे ससुराल वाले जो है ना इनको क्या है कि अलग रहो बोल के अलग ही कर दिए। पुलिस में कंप्लेंट वगैरह करें नहीं हम लोग नहीं करे मुफ्ती साहब नहीं करने दिए हम लोगों को नहीं होता ऐसा गलत बात है एक्शन हो जाता वो ये बोल के हम लोग को रोक दिए थे लोग जब बोले जब ऐसी समझा रहे बुझा रहे थे हम भी चलो बच्ची का मसला है समझा रहे ना आज नहीं कल सुधरेगा। अब हमारे जो है ना वालदा पे माफ़ी मांग के हमारे वालदा इन लोगों को जो है ना कमज़ोर कर दे रहे थे उन्होंने हर बार चलो कोई बात नहीं अब बोल के हम भी खामोश बढ़ जा रहे थे। देखिए बहुत सीरियस कंडीशन है मेरे भाई की तो एक ही छोटा भाई था मेरा मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई पूरे पुलिस से कुछ मदद क्या चाहे क्या बोलना चाहे पुलिस के सख्त से सख्त एक्शन ले बोल रहा हूँ भाई मैं पुलिस वालों से इसको सजा होना कुछ तो भी ऐसे जहालत इंसान दुनिया में रहना ही नहीं बोल रहा मैं। अभी आपके बहन का क्या कहना है हर जी आपके बहन का क्या कहना है अब उन्होंने भी वही बोल रहे हैं कुछ बोलने की हालत ही नहीं उन्होंने बेहोश है फिलहाल। तो कहाँ पे हुआ ये हादसा फतेह दरवाज़ा मोहम्मद शुक्री की कमान के पास पुलिस वाले आए थे अभी पुलिस वाले आए थे जब ही आए थे फ़ोन करे तो एक 10-15 मिनट में आ गए लोग हम लोग कमाटीपुरा पी एस हुसैनी आलम पी एस बच्चा तो अंदर था ये हम बच्चे को लेने के चक्कर में गए तो उसको भी डाल दिया। बिगविल किक हाउस हम है कुछ खास हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स प्योर घी और No.1 क्वालिटी के जाफरान पिस्ता बादाम काजू और खोए से तैयार किए गए। बिगविल के
स्पेशल दम की रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर वन है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद आपके खुशियों का साथी। बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद।